What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 13 मार्च 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं। कल हमने देखा कि मार्केट का जो हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल कल हमने देखने को मिला, करीब करीब 1000 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स निफ्टी इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। तो जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया तो दुनिया भर में और पैनिक क्रिएट हुआ है। दुनिया भर के बाजार तेजी से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अभी ये जो क्राइसिस यहाँ पर आया है ये कहाँ तक जाएगा, ये अनकंट्रोलेबल है, कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ये नेचुरल क्राइसिस है। जैसे कि हेडलाइन में हमने दिया है कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेस नेचुरल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस एक बार आइडेंटिफाई होने के बाद सोल्यूशन के थ्रू हम अप्रोक्स टाइमलाइन निकाल सकते हैं कि ये कब तक कंट्रोल हो सकता है, कब इसमें से रिकवर हो सकते हैं। लेकिन ये जो क्राइसिस है इसमें कंट्रोल कब तक आ जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर के कंट्रीज ऐसे हैं, छोटे देश है, कि इसको कैसे हैंडल करें ये इन्हें पता नहीं है। तो काफ़ी मशक्कत, काफ़ी दिक्कत, काफ़ी टेंशन भरा माहौल है। US ने तो यूरोप के साथ काफ़ी जो ट्रैवल प्लान्स है वो सारे के सारे बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो WHO है इसने इसे महामारी घोषित कर दिया है। तो जो अभी इटली का हाल है, तो इटली के बारे में यहाँ पर क्या कहा है, इटली ने अपने पूरे जो स्कूल्स है, जिम्स है, म्यूजियम्स है, नाइट क्लब्स है, सारे के सारे जो भी बड़े इवेंट्स है सब बंद है। पूरा कंट्री अभी क्लोज है, वहाँ पर घरों में लोग बंद है। तो जैसे कि ये फैल रहे थे जिसे इसके प्रिकॉशंस कैसे ले, ये ज़्यादातर छोटे सारे देशों में इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो ये वहाँ पर तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर इसका असर अगर पूरी दुनिया में इसी तरह से फैलता रहा तो हर एक जो इवेंट्स है, स्कूल्स है, शॉप्स है, वो बंद होते हैं, तो इसका असर बिजनेस के ऊपर गिरेगा। लोगों को घर पे बैठना पड़ेगा, अगर घर पे बैठेंगे तो एक दो महीने की सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो परचेसिंग पावर उन लोगों का ख़त्म हो जाएगा, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। ये नेचुरल क्राइसिस है, तो इसका असर निफ्टी इंडेक्स में कहाँ तक देखने को मिलेगा ये कहाँ नहीं जा सकता। और जैसे जैसे पैनिक न्यूज़ जो मीडिया है, इस मीडिया में जैसे ही पैनिक न्यूज़ आती है तो डर का माहौल से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आ जाती है। डर के मारे काफ़ी क्विक रिएक्शंस आते हैं लोगों के। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक गुड न्यूज़ आने के बाद भी धीरे धीरे 45 एंगल पे अपसाइड मूव आता है, लेकिन जैसे ही कोई पैनिक डर की न्यूज़ आती है तो सीधा ऑलमोस्ट 90 डिग्री में हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है टूवर्ड साउथ की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट्स के फिलहाल तो हालत देख रहे हैं, हर दिन एक गैप डाउन, बड़ा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है। कल भी US मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, डाउन साइड सर्किट लग गया था कुछ देर के लिए, मार्केट रुक गया था और जैसे ही रिज्यूम हुआ तो फिर से और टूवर्ड साउथ की तरफ US मार्केट्स गिरते हुए दिखाई दिए। यूरोपियन मार्केट्स का भी वही सेम हाल था, लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आज SGX निफ्टी तो 600 ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है और सभी एशियाई बाजार लगभग लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर भी देखे तो अभी फिर से 500 पॉइंट की इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो ये जो नेचुरल क्राइसिस है ये कैसे कंट्रोल होगा, टाइमलाइन इसकी कहाँ नहीं जा सकता। तो ये जो पहली अपनी जान बचाओ बाद में पैसा है, सब कुछ है, तो इसके बारे में कहाँ तक निफ्टी इंडेक्स आ सकता है। ये टेक्निकली तो एक एक लेवल हमने देखा डेली और वीकली चार्ट में, जो भी शॉर्ट टाइम फ्रेम्स है उसमें एक एक सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे क्राइसिस में जब नेचुरल डिजास्टर आता है तभी फंडामेंटल या टेक्निकल या क्वांटिटेटिव एनालिसिस काम नहीं करते, एक पैनिक भरा माहौल होता है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर एक सपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में एंटर होने के लिए। अगर ये नेचुरल डिजास्टर अगर रुक जाता है, अगर कंट्रोल हो जाता है, तो मार्केट यहाँ से सडन अप मूव दिखा सकता है, जैसे कि 2008 में जैसे ही
यूएस ने जैसे ही बॉटम बनाने के बाद एक तेजी से यूएस मार्केट ऊपर आ गए, उसी तरह से ये फिर से एक बार ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये जो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल क्राइसिस है, ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। चार्ट पर देखे हम लोग तो मंथली चार्ट को जैसे हम जनवरी के फर्स्ट डे को एनालिसिस किया था, फेब्रुवरी के फर्स्ट डे को एनालिसिस किया था कि ये जो RSI वर्सेस प्राइस एक्शन है, यहाँ पर हमें ये सिम्टम्स पहले ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन कब ये फॉल आएगा ये कहा नहीं जा सकता था। तो अभी कोरोना वायरस का एक फैक्टर यहाँ पर बना हुआ है जिसके कारण हमें ये जबरदस्त फॉल दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे प्राइस एक्शन वर्सेज RSI कंपेयर करें तो यहाँ पर ऊपर ये हायर हाइज बनाते जा रहा था 2018 के बाद, और नीचे RSI लोअर हाइज बनाते जा रहा था। यानी हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था कि बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, भले ही ये हायर हाइज ऊपर प्राइस एक्शन बनाता हो, नए लेवल्स को अचीव करता हो, ऑल टाइम हाई अचीव कर रहा हो, लेकिन स्ट्रेंथ बुल्स का यहाँ पर नहीं है, ये क्लियर RSI में हमें यहाँ पर पता चल रहा था। लेकिन प्राइस एक्शन में कब इसका असर देखने को मिलेगा, तो कोरोना वायरस एक फैक्टर बन गया है। तो यहाँ से ये तेजी से अभी ये टूवर्ड साउथ की तरफ आ रहा है। डेली, वीकली, इंट्राडे टाइम फ्रेम चार्ट्स के सभी सपोर्ट ये ब्रेक कर रहा है। मार्केट ओपन होते ही जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस ऐसे नेचुरल डिजास्टर के वक्त ज्यादातर काम नहीं करते, तो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना होगा। अगर यहाँ पर देखें तो कल ये 50% का ये जो लेवल था, ऑलमोस्ट इसी के पास आके ये रुक गया है। जो 2016 में इसने ये बॉटम बनाया था, उसका बॉटम और ये टॉप पकड़ के ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था। अगर डेली चार्ट में अगर आप देखें तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि कैसे इसने इन लेवल्स के ऊपर ये एक पॉज लिया था, हॉल्ट लिया था, लेकिन ये भी लेवल्स एक एक करके ब्रेक होते गए। ये 23.6% का था 11,100 के पास, उसके बाद 38.2% का लेवल था, यहाँ पर भी इसने पॉज लिया। बाद में ये 50% का ये जो लेवल था, कल इसने ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास क्लोज दिया। RSI देखे तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड बन चुका है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30 के लेवल के पास जैसे इस ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई दे सकता है, लेकिन ये पैनिक सिचुएशन लगातार बढ़ते जा रहा है। कई सारे कंट्रीज से इस कोरोना वायरस के वजह से काफ़ी लोग मर रहे हैं, तो ये अगर और जगह स्प्रेड होता है तो दुनिया भर में ज़बरदस्त इसके असर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल इंडिया में प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। दिल्ली में कल ही CM ने जो स्कूल से 31 मार्च तक बंद कर दिए। अगर बिजनेस और शॉप्स के ऊपर इसका असर गिरता है तो दुनिया भर में ग्लोबल मंदी भी यहाँ से आ सकती है। तो एक एक करके ये टेक्निकल लेवल्स को भी ये ब्रेक कर रहा है। ये हम एनालिसिस के तौर पे मंथली चार्ट पे ये लेवल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में, जहाँ पर इसने प्रीवियस लास्ट जो फॉल आया था वहाँ पर इसने कहाँ पॉज लिया था, ये जो टॉप और बॉटम को पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये अगर लेवल और भी 50 के नीचे चला जाता है तो 8,966 के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पर इसने पास्ट में स्विंग हाइज बनाए थे। ये देखिए यहाँ पर, तो इसी लेवल के पास 61.8% का लेवल आ रहा है और 100 EM है मंथली चार्ट में उसी जगह पर आ रहा है। तो अभी 9,000 के लेवल्स हमें निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो यहाँ से सिचुएशन जो है वो और क्रिटिकल हो सकती है। अगर हम इसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये जो क्राइसिस था 2008 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2008 का क्राइसिस है और ये अभी 2020 का ये नेचुरल क्राइसिस है। इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर 2008 में ये ऑलमोस्ट इसने 6,300 के पास ये टॉप लगाया था और वहाँ से ये जब करेक्ट हुआ तो ये ऑलमोस्ट 2,500 के आसपास ये निफ्टी इंडेक्स पहुँच चुका था। यानी 6,300 का टॉप लगाने के बाद जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो निफ्टी इंडेक्स 2,500 तक चला गया था और अभी 12,400 के पास इसने टॉप यानी ऑल टाइम हाई लगाया है निफ्टी इंडेक्स में। अगर एक ऑब्जर्वेशन करें फाइनेंशियल क्राइसिस वर्से अभी का नेचुरल क्राइसिस तो क्या हमें दिखाई देता है, तो
तो ये एक एक्सेल फाइल है जहाँ पर कुछ फिगर्स हमने यहाँ पर मार्क कर दिए। 2008 का ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें टाइमलाइन डिसाइड कर सकते कि कहाँ तक ये कंट्रोल कर सकते, कहाँ से रिकवर हो सकता है, लेकिन ये नेचुरल क्राइसिस है, यहाँ पर टाइमलाइन नहीं है कब ये कंट्रोल होगा, किस हद तक ये और फैल सकता है, इसका टाइमलाइन नहीं है। तो 2008 में टॉप बनाया था निफ्टी ने 6300 का और करेक्ट हुआ था 2500 तक, यानी निफ्टी ऑलमोस्ट 60% करेक्ट हुआ था, उसको टॉप से लेके बॉटम तक 60% करेक्ट हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 3800 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी। अगर ये नेचुरल क्राइसिस के साथ हम जस्ट कंपेयर करें, अगर यहाँ पर भी अगर 60% का फॉल होता है, यानी अभी का टॉप बना है 12400, यहाँ से अगर 60% का फॉल आता है यानी 7440 पॉइंट्स अगर मार्केट गिरता है तो निफ्टी इंडेक्स हमें 4960 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जस्ट कंपेयर कर रहे, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, जस्ट क्योंकि कई बार देखा गया है, कई बार लोग कहते हैं कि हिस्ट्री कभी कभी रिपीट होती है, तो अगर हिस्ट्री रिपीट होता है तो यहाँ पर अगर 60% का फॉल आता है तो हमें 4960 तक निफ्टी इंडेक्स देखने को मिल सकता है। ये जस्ट एनालिसिस है। 2008 में 6300 निफ्टी के लेवल्स थे, टॉप था, और 2020 में आज निफ्टी इंडेक्स 12400 तक चला गया था, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो आने वाले 12 साल में अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स 24000 के लेवल्स हमें यहाँ पर दिखा सकता है। हालांकि जो 2008 से 2020 तक का जो स्पीड था उसके ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है, हो सकता है ये स्पीड आने वाले दिनों में बढ़ जाए, अगर यहाँ से कंट्रोल होता है, ये रिकवर होता है तो स्पीड भी चेंज हो सकता है, स्पीड सेम रहेगा ये कहा नहीं जा सकता, स्पीड में भी थोड़ा चेंजेस हो सकता है। तो अभी फिलहाल अगर कंपेयर करें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ तो 60% का अगर फॉल यहाँ से पकड़ते तो 4960 तक निफ्टी इंडेक्स हमें देखने को मिल सकता है। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, गैप डाउन ओपन हो सकता है आज भी, तो लाइव मार्केट में इसे आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन जो हमने कल एक फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश की थी, ये जो स्विंग हाई लो को पकड़ के हमने ये ड्रॉ किया था फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, इसका एग्जैक्ट 138.2 का परसेंट था ये लेवल 9500, इसी के पास इसने कल ये सपोर्ट लिया है और इसी के पास ये क्लोज भी हुआ है। तो अगर यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव दिखाता है तो कहाँ तक निफ्टी इंडेक्स जा सकता है, तो अगर फिबोनाची एक्सटेंशन को आर्ली चार्ट में अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं तो ये एक एनालिसिस है। यहाँ पर ये स्विंग लो और हाई को पकड़ के अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर और एक लेवल ऐड कर दे 76.4, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 76.4 का लिए जो स्विंग लो को पकड़ के कल ड्रॉ करते तो एग्जैक्ट ये लेवल हमें मिलती थी 76.4, जहाँ पर ये पॉज लिया था कल निफ्टी इंडेक्स ने। अभी इसका 161.8% का लेवल 9195 के पास आ रहा है, तो हो सकता है इस लेवल के पास एक सपोर्ट देखने को मिले। ये पैनिक मूव जैसे जैसे न्यूज़ आएगी मीडिया में तो इसका असर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी बरकरार रखे, जो मंथली एसआईपी कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखे, जो जो सपोर्ट लेवल्स है मेजर सपोर्ट लेवल्स वहाँ पर मार्केट में अच्छे शेयर्स में एंट्री करें, तो आने वाले समय में अगर ये कंट्रोल होता है तो यहाँ से फिर से एक बार हमें अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकती है। तो ये एनालिसिस था फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेस अभी का जो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल क्राइसिस है उसका। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। और अभी के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो।
अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।